उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रेमनगर विंग में विजय नामक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसकी पत्नी किरण व उसकी बेटियां विलाप कर रही थी। लेकिन उसी वक्त एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब मौके पर एक महिला अपने बेटों के साथ पहुंची और विजय को अपना पति बताने लगी और विजय का अंतिम संस्कार करने की बात कहने लगी। आईएमए में रहने वाली लक्ष्मी के इस बवाल पर विजय के साथ वर्षों से रह रही पत्नी किरण ने कहा कि वह उसकी असली पत्नी है और उसकी बेटियां हैं, इसलिए विजय की लाश पर उनका अधिकार है और वह अपने पति का अंतिम संस्कार केहरी गांव के शमशान घाट में करेगी। किरण की बात सुनकर लक्ष्मी ने हंगामा शुरू कर दिया। विजय की मौत का जिस तरह से उसकी दोनों पत्नियों ने तमाशा बना रखा था, उससे आम आदमी यह कह रहा था कि सारा माजरा मृतक के पैसे व उसके घर को लेकर है, क्योंकि अभी विजय नौकरी पर ही कार्यरत था, इसलिए उसकी मौत के बाद परिवार के ही किसी सदस्य को नौकरी मिलेगी और मृतक का सारा पैसा भी उसे ही मिलेगा, जिसके हाथ में मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र होगा। पुलिस के लिए मौत का तमाशा सिरदर्द बना हुआ है। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।